हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बाजार से खरीदे हुए फ्रूट एवोकैडो को कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको इस फ्रूट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एवोकैडो एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ। यूजली ये फ्रूट आपने सुपरमार्केट्स में देखा होगा, बहुत ही कॉस्टली मिलता है, 100 रुपये का करीब एक एवोकैडो मिलता है। तो मैंने ये एवोकैडो ख़रीदा था जो थोड़ा ज़्यादा पक गया है। वैसे ये ग्रीन कलर में आपने पेयर शेप में देखा होगा मिलते हुए, लेकिन पका हुआ एवोकैडो इसी कलर में मिलता है। इसको हम बहुत ही सावधानी से काट के निकाल लेंगे इसका सीड बाहर, और सीड के दोनों तरफ जो आप क्रीम कलर का क्रीम पल्प देख रहे हैं वही खाया जाता है डिप या सॉस बना के, उसे सैलड में भी खाते हैं। एक एवोकैडो में एक ही सीड होता है। ये फ्रूट विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत ही रिच सोर्स है। बस अब इस सीड को वॉश करके हम सॉइल में लगा लेंगे। कुछ लोग इसे पानी में भी ग्रो करते हैं, लेकिन हम इसे सॉइल में ग्रो करेंगे। और एज यूजुअल मैं पॉटिंग मिक्स के लिए गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट ले रही हूँ। इसे सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और अपना सीड इसी में सो करेंगे। इसका प्लांट मैंगो ट्री जैसा देखने में लगता है, बड़े पेड़ पे उगते हैं ये एवोकैडोस। इसे इंडिया में भी उगाया जाता है, लेकिन ये ऐसी जगह पे नहीं होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या हीट वेव्स चलती हों या फिर स्नोफॉल होता हो। बीज डाल के इसे हम थोड़ा सॉइल ऊपर से कवर कर देंगे, पानी डाल देंगे और इसको हम फुल सनलाइट वाली जगह पर रख देंगे। तो करीब 15 दिन के बाद आपको ये रिजल्ट दिखेगा, और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसमें 4-5 पत्तियां भी आ जाएंगी, तो इसे आप ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें या फिर किसी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। यूजली सीड से ग्रो करने में ये 4 से 5 साल में फ्रूट देने लगता है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप कभी भी एवोकैडो का फ्रूट अगर ट्राई करें, खरीदें, लाएँ, तो उसके बीज को फेंकें नहीं, उसको इस तरीके से ज़रूर लगाएं। इसकी अपडेट मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में दूंगी जब इसकी पत्तियाँ और बड़ी हो जाएंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। बाय।